सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन माइनक्राफ्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अनलिमिटेड फूड फार्म बना के दिखाऊंगा और ये फार्म थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको इस फार्म को बना के दिखाऊंगा, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना होगा, नहीं तो आप किसी पार्ट को मिस कर दोगे और आपका फार्म काम नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस फार्म को बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों का जरूरत होगा, जैसा कि आप लोग इस चेस्ट में देख सकते हो। सो अभी हम इस फार्म को बनाना शुरू करते हैं। सो इस फार्म को बनाने के लिए आपको एक ऐसा जगह ढूंढ लेना होगा जहाँ पर बहुत सारा एनिमल स्पॉन होता है। जैसे कि इस जगह पर आप देख ही सकते हो, बहुत सारा एनिमल स्पॉन हो रहा है। सो अभी आपको यहाँ से 100 ब्लॉक ऊपर जाना होगा ब्लॉक लगा के। सो अभी मैं जल्दी से 100 ब्लॉक लगा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली मेरा 100 ब्लॉक लगाना कम्प्लीट हो गया है। अभी मैं यहाँ पर जैसे 4 ब्लॉक लगा रहा हूँ, आपको ऐसे ही लगाना होगा। फिर आपको इधर 5 ब्लॉक लगाना होगा जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। फिर मैं जैसे यहाँ पर ब्लॉक लगा रहा हूँ, आपको ऐसे ही लगाना होगा। फिर जब आपका ब्लॉक लगाना कंप्लीट हो जाए, तब आपको यहाँ पर 2 चेस्ट लगाना होगा। फिर आपको इन चेस्ट के ऊपर आके 2 हॉपर को लगाना होगा। फिर आपको इधर सामने आके क्राउच करके 2 हॉपर को लगाना होगा। फिर मैं जैसे साइड में 2-2 ब्लॉक लगा रहा हूँ, आपको ऐसे ही लगाना होगा पूरा साइड में। तो अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर जब आपका लगाना हो जाए, तब आपको इधर 3-3 ब्लॉक लगाना होगा। सो अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो फाइनली मेरा ब्लॉक लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं जैसे इधर 3-3 ग्लास लगा रहा हूँ, आपको ऐसे ही लगाना होगा। फिर आपको इसके ऊपर ब्लॉक लगा देना होगा। फिर आपको हर एक कॉर्नर पर 9 ब्लॉक लगाना होगा जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। सो अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो फाइनली मेरे हर एक कॉर्नर से 9-9 ब्लॉक लगाना कंप्लीट हो गया है। ब्लॉक लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको हर एक कॉर्नर को ऐसे ब्लॉक लगा के ज्वाइन कर देना होगा। तो अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी मैं जैसे हर एक कॉर्नर पर ब्लॉक लगा के ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना होगा। ब्लॉक लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको इन चारों स्क्वायर को पूरे ब्लॉक से फिल कर देना होगा। तो अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर ब्लॉक लगा के फिल कर देने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको इस प्लेटफॉर्म के साइड पर एक ऐसा ब्लॉक लगा के एक ऐसा बॉर्डर बनाना होगा जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। सो अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो फाइनली ब्लॉक लगाना कंप्लीट हो गया है। सो अभी आपको पूरे चारों साइड पर इसके ऊपर स्टेयर्स लगाना होगा। सो फाइनली मेरा स्टेयर्स लगाना कंप्लीट हो गया है। सो स्टेयर्स लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो अभी आपको मिडिल में आके इधर आपको एक एक ब्लॉक तोड़ लेना होगा जैसे मैं इधर तोड़ रहा हूँ। सो ब्लॉक तोड़ने के बाद आपको यहाँ पर मैग्मा ब्लॉक लगाना होगा। तो अभी मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। सो फाइनली मैग्मा ब्लॉक लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं क्राउच करके इधर बीच में 4 हॉपर के ऊपर 4 कैंप फायर लगा देता हूँ। फिर आपको इधर और एक ब्लॉक का लेयर बनाना होगा, ये आपको चारों साइड पर करना होगा। सो अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। ब्लॉक का लेयर लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको इधर हर एक स्टेयर पर वाटर बकेट को यूज करना होगा। अगर आप इसको सर्वाइवल में करना चाहते हो तो आपको एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेना होगा। तो अभी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया है और ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको एक कॉर्नर पे आके एक ब्लॉक को छोड़कर इधर आपको 4 डॉट लगाना होगा। फिर आपको इधर मैं जैसे एक पैटर्न बना रहा हूँ, आपको ऐसे ही बना लेना होगा। फिर मैं जैसे यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ, आपको ऐसे ही लगा लेना होगा। अभी मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। सो अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर आपको इनको इधर से इन सारे डॉट को इधर से ज्वाइन कर देना होगा। फिर आपको इधर इस मैग्मा ब्लॉक के ऊपर आ जाना होगा। फिर आपको एकदम इसके ऊपर आके इन दोनों डॉट को दोनों तरफ लगा देना होगा। फिर आपको इधर आके इन सारे ब्लॉक को तोड़ के इधर आपको डॉट लगा लेना होगा। फिर आपको इधर 2 ब्लॉक को छोड़ के 2 डॉट लगा लेना होगा। ऐसा आपको पूरा जगह में कर देना होगा। अभी मैं इस पार्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। डॉट लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको इन सारे स्क्वायर में 4-4 ट्रैप डोर लगाना होगा। तो अभी मैं जल्दी से इन सारे स्क्वायर में ट्रैप डोर लगा लेता हूँ। सो फाइनली ट्रैप डोर लगाना कंप्लीट हो गया है। फिर मैं जैसे चारों साइड पर ट्रैप डोर लगा रहा हूँ, आपको सेम ऐसे ही लगाना होगा। तो अभी मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। ट्रैप डोर लगाने के बाद जैसे मैं सारे ट्रैप डोर को नीचे कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना होगा, नहीं तो जो एनिमल स्पॉन होगा वो नीचे नहीं गिरेगा। फिर आपको एक कॉर्नर पे आके एक ग्रास लगा देना होगा। फिर देखना कुछ टाइम बाद ये पूरा प्लेटफॉर्म पूरा ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको इन सारे ट्रैप डोर को खोल देना होगा। सारा ट्रैप डोर खोल देने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉर्च लगा देना होगा जिससे इसके ऊपर कोई मॉब स्पॉन ना हो। फिर जब आपका टॉर्च लगाना हो जाए, तब आपको इधर नीचे आके इधर से 30 ब्लॉक लगाना होगा। फिर आपको इधर 3 ब्लॉक लगा के आपको इधर एक ट्रैप डोर लगा देना होगा और इस ब्रिज में भी टॉर्च लगा देना जिससे कोई मॉब स्पॉन ना हो। और फिर आप इधर देख ही सकते हो, ये प्लेटफॉर्म पूरा ग्रीन हो चुका है। अभी इधर सारा एनिमल स्पॉन होगा।
अभी आप इधर देख ही सकते हो कि एनिमल स्पॉन हो रहा है। 5 minutes later. और अभी 5 मिनट में इधर चेस्ट में हमें यह सब सामान मिला है। और अभी आप लोग इधर लैडर भी लगा सकते हो ऊपर जाने के लिए। सो गाइस अभी हमारा फार्म फाइनली कंप्लीट हो गया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी गेमिंग टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकती हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।